वेलकम टू लव टुगेदर मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारत की परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न को ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती बिहार दरोगा बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वही प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो एन्जॉय कीजिएगा तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर हमारा जो पहला प्रश्न है ये है बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है जायक बाड़ी परियोजना जो है ये कि किस नदी पर स्थित है गोदावरी नदी पर महानदी पर कृष्णा नदी पर या फिर कावेरी नदी पर जायक बाड़ी परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है गोदावरी नदी महानदी कृष्णा नदी या कावेरी नदी तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा गोदावरी नदी क्या हो जाएगा गोदावरी नदी अगला है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है कौन सी परियोजना तो इडुक्की इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में केरल में या फिर हिमाचल प्रदेश में इडुक्की जल विद्युत परियोजना तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये केरल राज्य में स्थित है कहाँ पर स्थित है ये ये जो है ये केरल राज्य में स्थित है और अगर पूछ दे कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर बनी है किस नदी पर बनी है अगर ये पूछ दे तो ये किस नदी पर है तो ये है पेरियार नदी पर किस नदी पर बनी है तो पेरियार नदी पर ये परियोजना जो है ये बनी है ठीक है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है तो ये किस नदी पर किया गया दामोदर नदी पर कोयना नदी पर गोदावरी नदी पर या फिर कावेरी नदी पर किस नदी पर यह किया गया था तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो किया गया था वो सबसे पहले दामोदर नदी पर किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना पर किया गया था ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना इसे कहा जा सकता है यानी स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना इसे कहा जा सकता है ये सात जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है व्यास नदी पर चिनाब नदी पर सतलज नदी पर या फिर झेलम नदी पर तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है तो ये स्थित है चिनाब नदी पर किस नदी पर स्थित है ये तो ये है चिनाब नदी पर स्थित है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है हीराकुंड परियोजना चंबल घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना क्या होगा भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है ये किस नदी पर स्थित है तो ये सतलज नदी पर स्थित है कहाँ पर है ये तो ये है पंजाब में पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो ये राजस्थान पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है कहाँ कहाँ की है तो राजस्थान पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है ये नागार्जुन सागर परियोजना किस जिस नदी पर स्थित है वह है नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो जिस नदी पर स्थित है वो नदी जो है कौन सी है तो गोदावरी नदी है कृष्णा नदी है ताप्ती नदी है या फिर कोशी है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी है तो वो जो नदी है ये कौन सी हो जाएगी कृष्णा नदी है कौन सी नदी होगी कृष्णा नदी नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्य की सम्मिलित परियोजना है परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो ये केरल एवं आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु केरल एवं तमिलनाडु तो ये जो परम्बिकुल अलियार परियोजना जो है तो ये केरल एवं तमिलनाडु कहाँ कहाँ तो केरल एवं तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सम्मिलित परियोजना है ये निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है यानी कि नीचे कुछ नदी घाटी परियोजना के नाम दिए गए हैं तो इन परियोजनाओं में से कौन सी वो परियोजना है जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है तो ये शरावती परियोजना है हीराकुंड परियोजना है चंबल घाटी परियोजना है या फिर इडुक्की परियोजना है शरावती परियोजना हीराकुंड परियोजना चंबल घाटी परियोजना या फिर इडुक्की परियोजना इनमें से कौन सी परियोजना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब होगा तो ये कौन सा होगा चंबल घाटी परियोजना क्या होगा ये चंबल घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना का जो लाभ है वो एक से अधिक राज्य को मिलता है अब अगर कोई पूछे कि वो राज्य कौन सा है तो वो राज्य है राजस्थान राजस्थान है और इसके साथ साथ क्या है मध्य प्रदेश है क्या है मध्य प्रदेश है राजस्थान है और मध्य प्रदेश है तो ये दो राज्य हैं और इसमें दोनों की हिस्सेदारी कितनी है तो दोनों की जो हिस्सेदारी है वो पचास पचास प्रतिशत की हिस्सेदारी है मच्छ परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है मच्छ या फिर मच्छुंड परियोजना जो है वो किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो ये उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं बिहार तो मच्छ कुंड परियोजना जो है वो किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो ये है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की ये सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है बिहार एवं पश्चिम बंगाल बिहार एवं, एवं मध्य प्रदेश बिहार एवं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तो गंडक परियोजना जो है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो ये है बिहार एवं उत्तर प्रदेश बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना जो है तो ये क्या है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं मयूराक्षी परियोजना तो ये पश्चिम बंगाल एवं झारखंड झारखंड एवं मध्य प्रदेश बिहार एवं उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल एवं असम पश्चिम बंगाल एवं झारखंड झारखंड एवं मध्य प्रदेश बिहार एवं उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल एवं असम तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड मयूराक्षी परियोजना जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड दो राज्यों इससे लाभान्वित हो रहे हैं दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है वो निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है रावी नदी पर सतलज नदी पर व्यास नदी पर या फिर चिनाब नदी पर रावी सतलज व्यास या फिर चिनाब नदी किस नदी पर दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है ये किस नदी पर आधारित है तो ये जो आधारित है किस नदी पर है चिनाब नदी पर आधारित है किस पर आधारित है तो ये चिनाब नदी पर आधारित है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है वो कौन सी है नागार्जुन सागर परियोजना पोचम्पाद परियोजना मचकुंड परियोजना या फिर मयूराक्षी परियोजना तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा क्या है ये मचकुंड परियोजना है कौन सी है मचकुंड परियोजना तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर अवस्थित है उत्तराखंड में राजस्थान में मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ अवस्थित है तो ये कहाँ पर अवस्थित होगी तो ये अवस्थित है उत्तराखंड में तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है उकाई परियोजना स्थित है उकाई परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में साबरमती नदी पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में तापी नदी पर या फिर गुजरात में तापी नदी पर उकाई परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है उकाई परियोजना तो उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है तो ये गुजरात में तापी नदी पर स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है ओंकारेश्वर परियोजना ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है तापी भीमा चंबल नर्मदा ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है तो ये किस एक से संबंध है तो ये है नर्मदा से संबंध है, है? नर्मदा से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है तो ये हीरा कुंड परियोजना नर्मदा सागर परियोजना दामोदर घाटी परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सा तो कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर किया गया है यानी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है तो ये कौन सा है तो ये है दामोदर घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है धौला गंगा धौली गंगा मंदाकिनी अलकनंदा भागीरथी टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है तो ये किस पर अवस्थित है तो ये अवस्थित है भागीरथी पर किस पर अवस्थित है भागीरथी पर अवस्थित है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल पेरियार जल विद्युत परियोजना यहाँ पे जील लिखा हुआ है मिस प्रिंट है तो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो ये स्थित है किस राज्य में केरल राज्य में स्थित है अब आगे अगर आपसे कोई पूछ दे कि पेरियार जल जल, जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है तो ये पेरियार नदी पर ही है किस नदी पर है पेरियार नदी पर ही स्थित है और पेरियार नदी जो है ये केरल की कहाँ की तो केरल की सबसे बड़ी नदी है केरल की सबसे बड़ी नदी है ये उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये निर्मित है तो ये कहाँ पर निर्मित है सोम नदी पर चंबल नदी पर घाघरा नदी पर या फिर बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये स्थित है बेतवा नदी पर कहाँ पर बेतवा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर चल रही है नर्मदा कृष्णा ताप्ती गोदावरी सरदार सरोवर परियोजना तो सरदार सरोवर परियोजना की अगर बात आती है तो ये किस नदी पर चल रही है ये चल रही है नर्मदा नदी पर काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है काकरा पार परियोजना जो है काकरा पार परियोजना ये किस नदी से संबंधित है किस नदी से ये संबंधित है तुंगभद्रा नदी से कृष्णा नदी से ताप्ती नदी से या फिर नर्मदा नदी से काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है तो ये संबंधित है किस नदी से ये है ताप्ती नदी से संबंधित है किस नदी से संबंधित है ताप्ती नदी से ये संबंधित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में केरल में हिमाचल प्रदेश में इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो ये किस राज्य में स्थित है केरल में स्थित है किस राज्य में स्थित है केरल में स्थित है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है हिडकल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है रावी बेतवा घाट प्रभा सतलज हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है तो ये स्थित है घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि हिडकल परियोजना जो है ये किस नदी पर है तो घाट प्रभा नदी पर है लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये किस राज्य में स्थित है राज्य भी पूछ सकता है तो अगर पूछ दे कि ये किस राज्य में स्थित है तो ये स्थित है किस राज्य में कर्नाटक में स्थित है कहाँ पर तो कर्नाटक में स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश में पंजाब में हरियाणा में जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो ये किस राज्य में स्थित है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में कहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब अगर इससे आगे कोई ये पूछ दे कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछ देता है कि ये किस नदी पर स्थित है तो ये स्थित है किस नदी पर चिनाब नदी पर किस नदी पर स्थित है तो ये चिनाब नदी पर स्थित है हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? है तो हीरा कुंड परियोजना जो है वो किस राज्य में है बताना है उड़ीसा मध्य प्रदेश झारखंड या छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश झारखंड या छत्तीसगढ़ तो हीरा कुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा राज्य में है कहाँ पर है उड़ीसा राज्य में है हीरा कुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा राज्य में है और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि उड़ीसा राज्य में तो है लेकिन ये किस नदी पर है अगर कोई पूछ दे कि ये किस नदी पर है तो ये है महानदी पर किस नदी पर है तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है वाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, तो वाण सागर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात राजस्थान गुजरात मध्य प्र, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार तो वाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य जो हैं वो कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार है कौन कौन से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार है और अगर कोई पूछ दे कि ये वाण सागर जो परियोजना है वाण सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है तो ये किस नदी पर है यह है सोन नदी पर किस नदी पर है तो ये है कहाँ पर सोन नदी पर स्थित है ठीक है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है हीराकुंड परियोजना जो है ये किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है तापी नदी नर्मदा नदी कृष्णा नदी या फिर महानदी हीरा परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है तो ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है हीरा परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है तो ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश से तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा ये होगा हिमाचल प्रदेश से कहाँ से हिमाचल प्रदेश तो भारत तथा एशिया की एकमात्र के संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये किस नदी पर है किस नदी पर है तो नदी का नाम क्या हो जाएगा भाबा नदी पर है किस नदी पर है भाबा नदी पर है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि सुमेलित नहीं है तो व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तो निम्नलिखित में से कौन है? सही सुमेलित नहीं है तो कौन से इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो ये इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब ये जो है सुमिलित नहीं है डिखरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है तो ये उत्तराखंड में है अरुणाचल प्रदेश में है असम में है या फिर झारखंड में है उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश असम या फिर झारखंड किस राज्य में है ये तो ये किस राज्य में है ये है उत्तराखंड में. कहा में कहाँ पर में है और सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है तो ये पंचेश्वर परियोजना है चूखा परियोजना है शारदा बांध परियोजना है या फिर घनकपुर टनकपुर बांध परियोजना है तो कौन सा वो परियोजना है जो कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है उसके अंतर्गत नहीं आता है तो ये हो जाएगा चूखा परियोजना क्या होगा चूखा परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है कौन सा एक नहीं सुमेलित है शिव समुद्रम केरल गांधी सागर मध्य प्रदेश जवाहर सागर राजस्थान नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो शिव समुद्रम केरल जो है ये सुमेलित नहीं है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कर्नाटक होगा क्या होगा कर्नाटक होगा केरल नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा कर्नाटक होगा गिरना परियोजना कहाँ स्थित है गिरना परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है तो ये स्थित है उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है गिरना परियोजना उड़ीसा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है तो इसका सही जवाब होगा ये स्थित है महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र में गिरना परियोजना कहाँ स्थित है तो ये परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है और अगर पूछे कि ये किस नदी पर है तो ये गिरना नदी पर ही है किस पर है तो ये गिरना नदी पर स्थित है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो ये केरल में स्थित है मणिपुर में पश्चिम बंगाल में या फिर मेघालय में लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है तो ये स्थित है कहाँ पर मणिपुर में कहाँ पर स्थित है ये ये मणिपुर में स्थित है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल एक कैसा संयुक्त परियोजना है तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की पंजाब दिल्ली राजस्थान हरियाणा पंजाब राजस्थान की या फिर हरियाणा पंजाब दिल्ली की तो भाखड़ा नांगल ले एक संयुक्त परियोजना है तो ये किसकी संयुक्त परियोजना है तो ये है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना हरियाणा पंजाब और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है रिहान बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहान बांध परियोजना जो है इससे किन राज्यों की सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश एवं बिहार केरल एवं कर्नाटक गुजरात और महाराष्ट्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तो रिहंद बांध परियोजना से किन दो राज्यों की सिंचाई होती है तो इससे उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों की सिंचाई होती है किसकी किसकी उत्तर प्रदेश और बिहार अब है अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है व्यास नदी पर चिनाब नदी पर सतलज नदी पर या फिर रावी नदी पर व्यास चिनाब सतलज या रावी नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो किस राज्य पर स्थित है तो इसका जो सही जवाब होगा तो ये क्या हो जाएगा सतलज क्या हो जाएगा सतलज तो ये सतलज नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना जो है वो किससे संबंधित है झेलम सतलज व्यास रावी तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से किससे संबंधित है तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी से संबंधित है किससे तो ये संबंधित संबंधित परियोजना जो है ये झेलम नदी से संबंधित है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है तो ये स्थित है किस राज्य में हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है झेलम सतलज रावी या फिर व्यास तो भाखड़ा नागर परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है किस पर है सतलज नदी पर निर्मित है ये कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र बिहार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र बिहार तमिलनाडु कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र क्या हो जाएगा महाराष्ट्र सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है वो कौन सा है राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एवं महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है वो कौन सा है तो ये राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एवं महाराष्ट्र है कौन सा है राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एवं महाराष्ट्र बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है तो ये झेलम नदी पर चिनाब नदी पर सिंधु या फिर सतलज झेलम चिनाब सिंधु या फिर सतलज तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चिनाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब चिनाब हो जाएगा बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई थी तो ये चिनाब नदी पर की गई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है ये कौन सा है पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड पश्चिम बंगाल एवं बिहार या फिर बिहार एवं उड़ीसा तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो कौन सा है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड क्या होगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है शिव समुद्रम प्रपात पर गोकक प्रपात पर जोग प्रपात पर या फिर पायकारा प्रपात पर तो किस प्रपात पर ये स्थित है तो ये स्थित है जोग प्रपात पर किस पर जोग प्रपात पर स्थित है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है तो ये इडुक्की है पापनाशम है पेरियार है या फिर परम्बिकुल अलियार है कौन सा है तो निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा परम्बिकुलम अलियार क्या होगा परम्बिकम अलियार होगा तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद